वेलकम टू टेली न्यूज़ 24। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट सीरियल अपना टाइम भी आएगा से जुड़े सबसे बड़े अपडेट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अब फैंस के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। जी हाँ, क्योंकि अब एक हो गए हैं वीर और रानी। सारी गलत फहमी दूर हो चुकी है वीर और रानी के बीच। जी हाँ, यहाँ पर वीर को सब कुछ याद आ गया है, क्योंकि अभी शो का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर वीर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए वो रानी को आखिरी बार उससे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक वीर का सपना होता है। और अपने सपने में वीर रानी से उस रात का सच पूछता है, जहाँ पर रानी वीर को बताती है कि वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। यहाँ पर रानी की बात सुनकर वीर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है। तभी अचानक यहाँ पर वीर को सब कुछ याद आ जाता है कि उस रात रानी के साथ बिरजू नहीं बल्कि वो ही था। जिसके बाद यहाँ पर वीर की आंखें खुलती है, उसके सामने रानी नहीं होती है, वो सिर्फ उसका एक सपना होता है। जिसके बाद यहाँ पर वीर को अपनी गलती का सबसे बड़ा एहसास होता है। वो तुरंत रानी से माफ़ी मांगने पहुँचता है। वो रानी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है, उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगता है। यहाँ पर वीर रानी से बोल देता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, उसे सब कुछ याद आ गया है, उसे सब कुछ पता चल गया है कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं। और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाए। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पर अब वीर ने रानी से माफ़ी तो मांग ली है, क्या यहाँ पर रानी माफ़ करेगी वीर को, क्या होने वाला है रानी का फैसला, देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीरियल अपना टाइम भी आएगा से जुड़े ऐसे लेट्स अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें।